अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाजमी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा टेट का सेट 10 चल रहा है, पेपर सेट 10, उसके हम लोग ने CDP के क्वेश्चंस किए, मराठी और इंग्लिश के क्वेश्चन किए। आज की इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह ताला जनरल नॉलेज और साइंस के जितने भी क्वेश्चंस है हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स, यानी हाइड्रोफाइट्स की एक खसूसियत मंदरजा जैल में से कौन सी है। ओके, तब यहाँ पे देखिए क्या है। हाइड्रोफाइट्स हैव बायोन्सी इन देयर लीव्स, यानी हाइड्रोफाइट्स के पत्तियों में खुशबू होती है। ओके, क्या ये हाइड्रोफाइट्स की खसूसियत है। ऑप्शन नंबर बी है, बायोन्सी हेल्प्स द लीव्स टू कीप फ्लोटिंग, यानी खुशबू पत्तों को तैरते रखने में मदद करती है। या फिर ऑप्शन नंबर सी है, स्ट्रोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स, यानी स्ट्रोमेटा पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये ऑल ऑफ दी अबव, तो हाइड्रोफाइट्स यानी जो आबी पौधे होते हैं उनको कहा जाता है, तो उनमें कौन कौन सी खूबियां पाई जाती है आपको ये पहचानना है। तो देखिए, उनमें ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है और ऑप्शन नंबर सी भी है, यानी ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम, यानी एक डैश गेम के खेल को आसान बना सकता है। क्या बना सकता है? माउस, यानी कंप्यूटर के पार्ट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है कि माउस गेम खेलने में काम आता है, जॉयस्टिक। ऑप्शन नंबर सी है कीबोर्ड और ऑप्शन नंबर डी है पेन। तो देखिए, जॉयस्टिक जब गेम हम खेलते हैं तो जो हमारे हाथ में जैसे हैंडल टाइप होता है जिसके जरिए हम गेम को कंट्रोल कर सकते हैं या गेम खेल सकते हैं, तो जो जॉयस्टिक है ना, ये यहाँ पर गेम खेलने में हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स, यानी मंदरजा जैल में से कौन सेहतमंद हड्डियों के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए है पोटेशियम एंड विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम एंड विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम एंड विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है, सबको पता है कि हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ प्लास्टिक बॉटल कैन बी रिसाइकल्ड इनटू, यानी प्लास्टिक की बॉटल को डैश में रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल यानी क्या? दोबारा इस्तेमाल, जैसे जो वेस्टेज प्लास्टिक की बॉटल होती है उसका इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल दोबारा और कौन सी चीजें बनाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है टी शर्ट बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है स्लीपिंग बैग बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ दी अबव और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, जो प्लास्टिक की बॉटल होती है उसका रीयूज जो है टी शर्ट और स्लीपिंग बैग दोनों बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड, यानी कायनात के मुताले को क्या कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो है उसे क्या कहते हैं देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी है कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है यूनिवर्सोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है एस्ट्रोलॉजी। तो क्या इसका सही जवाब होगा? देखिए, स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी कायनात के मुताले को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक ड्राइंग ऑफ क्लोथ इन सन, यानी मंदरजा जैल में से किस चीज की वजह से धूप में कपड़े बहुत जल्द खुश्क हो जाते हैं। क्या प्रोसेस है, कौन सा अमल होता है जिसकी वजह से जब हम धूप में कपड़े डालते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कंडेंसेशन यानी अमल तकसीफ, ऑप्शन नंबर बी है इवेपोरेशन यानी अमल तबखीर, ऑप्शन नंबर सी है बॉइलिंग और ऑप्शन नंबर डी है लाइटिंग यानी रोशनी का इखराज। तो देखिए, यहाँ पर ये जो पानी का भाप बनने का जो अमल होता है, क्योंकि जब हम कपड़े धूप में सूखने के लिए डालते हैं तो क्या होता है, सूरज की शुआओं की वजह से वो जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है, इसकी वजह से जो कपड़े हैं जल्द खुश्क हो जाते हैं। तो इस अमल को जो है इवेपोरेशन कहते हैं। सिर्फ कपड़ों पर से ही नहीं, कहीं पर से भी अगर धूप की वजह से पानी सूखकर भाप बनकर उड़ रहा है तो उस अमल को क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, यानी मंदरजा जैल में से कौन ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी है IMF, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर
सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके, ये जो है ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ, यानी ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन का जो अमल है उसमें किस चीज का लॉस होता है, कौन सी चीज जो है ये कम हो जाती है। तो प्रोटॉन, प्रोटॉन का लॉस होता है, न्यूट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का उसमें इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, जो जोहर होते हैं या जो भी हैं वो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम की करेंसी क्या है, बेल्जियन पाउंड है, बेल्जियन डॉलर है, बेल्जियन लियो है, या नन ऑफ दीज है। तो देखिए बेल्जियम की करेंसी इनमें से कुछ भी नहीं है, इसका जो आंसर ये नन ऑफ दीज होगा। ओके, क्योंकि बेल्जियम की जो करेंसी है वो क्या है, देखिए मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं है बेल्जियम की करेंसी। बेल्जियम की जो करेंसी है वो यूरो है, क्या है, यूरो जो है ये बेल्जियम की करेंसी है। ओके, अभी फिलहाल अगर हम देखेंगे तो ये इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द नंबर ऑफ ईयर्स सिंस अ पर्सन वॉज बॉर्न इन अ की एलिमेंट डेफिनेशन ऑफ, यानी जब से शख्स पैदा हुआ है तब से साल की तादाद की तशरी में अहम अंसर होता है। तो क्या कहेंगे, किसकी डेफिनेशन है ये, कि जब से इंसान पैदा हुआ है तब से उसकी जो जो साल है उसमें उसको हम अगर बताएं, उसकी एज बताएं हम, तो क्या है ये, क्रोनोलॉजिकल एज है, ऑप्शन नंबर डी बायोलॉजिकल एज है, ऑप्शन नंबर सी साइकोलॉजिकल एज, ये ऑप्शन नंबर डी हिस्टोरिकल एज है। तो देखिए इसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, यानी जब इंसान पैदा हुआ तब से अगर हम उसकी एज काउंट करते हैं तो इसे हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास, यानी सबसे ज्यादा कमियत किस में होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है सबसे ज्यादा कमियत, प्रोटॉन की होती है, न्यूट्रॉन की होती है, या नन ऑफ, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो कमियत होती है वो किसकी है, देखिए न्यूट्रॉन की होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन कंसेप्ट ऑफ बैलेंस POX, पी स्टैंड फॉर, यानी ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है हमको इसमें पी का मतलब क्या है, पॉजिटिविटी है, पर्सन है, प्रोग्राम है, या पॉजिटिवनेस है, क्या है इसका मतलब। तो देखिए पॉजिटिविटी यानी अस्बात है, पर्सन यानी शख्स है, प्रोग्राम यानी जो प्रोग्राम होता है वही, या फिर पॉजिटिवनेस यानी इंसानियत है। तो यहाँ पर जो है पर्सन होता है, POX, ये जो तवाजुन होता है इसके अंदर पी का मतलब पर्सन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडीशन इन विच सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर नॉट अलाउड टू एंजॉय द सेम प्रिविलेज इज, यानी ऐसी कैफियत जिसमें समाज के बास तबकात को इजाजत नहीं होती कि वो यकसानी सहूलियत से लुत्फ अंदोज हो, यानी उनको बाकी लोगों से, जो बाकी लोग जो सहूलियत का इस्तेमाल करते हैं उनको उससे हटा दिया जाता है, वो चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे मंदिरों में नहीं जाना या मस्जिदों में नहीं जाना, किसी तालाब का पानी नहीं पीना, दूसरे लोगों से बात नहीं करना, ग्रुप्स में नहीं बैठना, ये सारी चीजें उन लोगों को मना कर दी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, सोशल रिफॉर्मेशन कहते हैं, यानी सामाजिक इस्लाहकारी कहते हैं, सोशल डिसएडवांटेज कहते हैं, यानी सामाजिक फवायद और मौके से महरूमी, या डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जाता है, या फिर डिसएडवांटेज यानी फवायद व मौके से महरूमी। तो यहाँ पर देखिए सोशल डिसएडवांटेज, क्योंकि सामाजिक जो फायदे होते हैं उससे उनको महरूम कर दिया जाता है, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा ये होगा सोशल डिसएडवांटेज, यानी समाज की जो सहूलियत बाकी लोगों को दी जाती है उससे ये लोग महरूम रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन स्प्रिंग यानी मौसम में बहार में द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, यानी दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है, द नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर, या रातें बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं, या डेज एंड नाइट्स आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल ड्यूरेशन, यानी दिन और रात तकरीबन बराबर मुद्दत के होते हैं, या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें जो है जो मौसम में बहार होता है उसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पर डेज और नाइट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, मतलब जिसे 12 12 घंटे का ही होता है, डे भी 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इज इट ट्रू दैट एस्पर्गर्स सिंड्रोम इज मोस्टली अ हिडन डिसेबिलिटी, यानी एक तरह की बीमारी है, तो कि ये हिडन डिसेबिलिटी यानी ये नजर नहीं आती है एबिलिटी, अंदरूनी कोई बीमारी है क्या ये,
तो ये सही है या गलत है कि ये एक अंदरूनी बीमारी है? क्या ये दुरुस्त है? क्या एस्पर्गर्स सिंड्रोम ज्यादातर एक मख्फी माजूरी है यानी एक अंदरूनी बीमारी है? नो, इट कैन नेवर बी हिडन। यस या कांट से? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये एक अंदरूनी बीमारी है जो सबको दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड, यानी जो पत्ते या जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं किसकी वजह से? कौन सा उनमें ऐसा रोगन पाया जाता है जिसकी वजह से वो हरे होते हैं? ग्लूकोज की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से या फिर ऑक्सीजन की वजह से? तो देखिए क्लोरोफिल की वजह से जो पत्ते हैं हमें हरे नजर आते हैं और यही जो है इनको जो शवाई तरकीब है उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डिमेंटिया इज प्रोड्यूस्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, यानी जो डिमेंटिया की बीमारी है वो किसकी विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी की वजह से, विटामिन बी की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से या नियासिन की कमी की वजह से? तो देखिए ये किसकी कमी की वजह से होता है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है नियासिन, इसकी कमी की वजह से या नाइसिन इसकी कमी की वजह से ये बीमारी होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द सीजन्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ टिल, यानी जमीन के झुके हुए डैश की वजह से मौसम में तब्दीली होती है, झुके हुए महवर की वजह से। तो क्या ये ट्रू है? ऑप्शन नंबर बी फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी पार्टली ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी ये जो रीजन ऑफ सीजन इज अननोन, यानी जो मौसम होते हैं उसकी जो वजह है वो अभी तक किसी के समझ में नहीं आए। तो ये ऑप्शन नंबर डी तो एकदम गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा पार्टली, क्योंकि जो जमीन का झुका हुआ महवर और जमीन की जो महवरी गर्दिश होती है उसकी वजह से मौसम में तब्दीली आती है। ओके और दिन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसाइक्राइड्स अ स्टार्च, यानी पॉलीसाइक्राइड्स एक नशास्ता है जिसकी मिसाल सीरील से नशास्ता किस किस में पाया जाता है? सीरील्स में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी ग्रेन्स यानी अनाज में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी वेजिटेबल्स यानी सब्जियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जो नशास्ता होता है ये सब में पाया जाता है, सब्जियों में, वेजिटेबल्स में और सीरियल्स में यानी दालों वगैरह में, सब में पाया जाता है ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ, यानी कंप्यूटर प्रोसेसर डैश पर मुश्तमिल होता है, सीपीयू एंड मेमोरी, मेन मेमोरी पर, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क पर, या मेन मेमोरी एंड स्टोरेज पर, या कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू? तो देखिए ये कंट्रोल यूनिट और एएलयू पर मुश्तमिल होता है। एएलयू का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ओके तो इसके ऊपर जो है प्रोसेसिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का वो पूरा के पूरा डिपेंड होता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। ओके और सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक तो कंट्रोल होता है और दूसरा एएलयू यानी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, यानी मंदहास जहर में से कौन बायोडिग्रेडेबल है, यानी जो है खाद वगैरह में तब्दील हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डेड प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी है पेपर, ऑप्शन नंबर सी है क्लोथ्स और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल है। ओके ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डैश इज द वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट एंड द थेरेपिस्ट, यानी एक मतलब इलाज और थेरेपिस्ट के दरमियान रजाकाराना ताल्लुक क्या कहलाता है? साइकोथेरेपी कहलाता है, फिजियोथेरेपी कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है या साइकोसोशल थेरेपी कहलाता है? तो इसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, साइकोथेरेपी इसका सही जवाब है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एरिया वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी स्पेसीज ऑफ अ वाइल्ड एनिमल इज नॉट प्रोहिबिटेड, यानी ऐसा एरिया जहां पर, वो एरिया जहां जंगली जानवरों के किसी भी जिंस को मारना और पकड़ना ममनू नहीं है, यानी वहां पे कोई गुनाह नहीं है, कोई मनाही नहीं है, एकदम बेधड़क या एकदम फ्रीली वहां पर जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है, ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? गेम रिजर्व कहते हैं, बायोस्फेयर रिजर्व कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं या बोध पेन्स कहते हैं? तो इसे गेम रिजर्व कहते हैं। ओके क्योंकि बायो रिजर्व और जो नेशनल पार्क होते हैं वहां पर तो उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, गेम रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप फॉर्म बाय द अदर ट्रीज, यानी मंदहास ज़हर में से किसका दूसरे दरख्तों के जो ग्रुप है उनमें ताल्लुक नहीं है, यानी हमको यहाँ पर ऑड वन निकालना है कि कौन सा दरख्त बाकी से अलग है।
मैंगो का दरख्त है, कोकोनट का है, टैमरिन यानी इमली का है, और नीम का है। तो इनमें से सबसे अलग कौन सा है? कोकोनट का है। ओके, तो कोकोनट का यहाँ पर अलग आ जाएगा, क्योंकि इसका जो इलाका होता है या जहाँ पर ये पाया जाता है वो इन सबके मुकाबले में डिफरेंट होता है। ये साहिली इलाकों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हेन अ स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, इट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय, यानी अगर जिस जिस किसी रियासत में सदर सदर राज कायम होता है तो इसका मतलब यह है कि उस रियासत में किसकी हुकूमत है। द गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ स्टेट की है, अ चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, अ केयर टेकर गवर्नमेंट यानी एक निगरानी हुकूमत, या द प्रेसिडेंट डायरेक्टरी यानी बराह रास्त सदर का। तो देखिए जहां पर भी जो प्रेसिडेंट का रूल अगर होता है तो वहां पर किसकी हुकूमत होती है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी जो स्टेट का जो गवर्नर होता है उसकी हुकूमत होती है। इसका मतलब ये है यहाँ पर, ओके, कि रियासत में गवर्नर की हुकूमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चूज द एनालॉगस वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी ब्रास इज टू जिंक एज ब्रोंज इज, यानी जैसे जिंक के लिए ब्रास है। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसे हम ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डैश इज द लीस्ट इन्फ्लुएंशियल इन डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स, यानी टेरेस्ट्रियल बायोम्स की तंजीम की तयन करने में डैश के असरात कम होते हैं, यानी कम इम्पोर्टेंट कौन सा होता है जब हम बायोम्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो कौन सी चीज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लाइट इंटेंसिटी यानी रोशनी की शनाख्त, रेनफॉल, सैलिनिटी या टेम्परेचर। तो देखिए हम जो जंगलात होते हैं या जो दरख्त होते हैं, जब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन या इनकी तकसीम करते हैं, इनको इनकी किस्में अगर हम बताते हैं, तो इसमें रोशनी भी बहुत ज़रूरी होती है कि वहाँ पर सूरज की शुआएं कितनी पड़ती है, उसके हिसाब से भी दरख्तों की किस्में पाई जाती है। रेनफॉल की वजह से भी, जैसे सदाबहार या फिर पतझड़ वाले जंगलात या कांटेदार जंगलात, इस तरह से। सैलिनिटी या ऑप्शन नंबर डी है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर की वजह से भी जंगलात पर बहुत बड़ा असर होता है, सैलिनिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर कम इंपॉर्टेंट पूछा है, तो कम इंपॉर्टेंट सैलिनिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द सम ऑफ एंग सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, यानी जो एवोल्यूशन की थ्योरी है वो किसने बताया था? लुईस पाश्चर ने बताया था, ये ऑप्शन नंबर बी। अरिस्टोटल ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी है। ग्रेगर मेंडल ने बताया था, ये ऑप्शन नंबर डी है। चार्ल्स डार्विन ने बताया था। तो ये जो स्पेसिस की जो थ्योरी है ये चार्ल्स डार्विन ने बताए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ यू आर सिलेक्टेड टू प्ले इन द संतोष ट्रॉफी देन यू आर अ गुड, यानी अगर आप एक संतोष ट्रॉफी के लिए मुंतखब किए जाते हैं तो आप एक क्या क्या है? क्रिकेटर है, हॉकी प्लेयर है, बास्केटबॉल प्लेयर है या फुटबॉलर है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, फुटबॉलर है। ओके, क्योंकि ये जो ट्रॉफी होती है कौन से गेम में दी जाती है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का होम मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी है अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर सी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर डी है पीयूष गोयल। तो देखिए इसका जो सही जवाब है, होम मिनिस्टर कौन है यहाँ पर, इसका सही जवाब है राजनाथ सिंह जो है, ये इंडिया के कौन है? होम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यानी दर्ज जैल में से कौन से ज्यादा आबादी वाली रियासत है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है वेस्ट बंगाल। तो देखिए सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत जो है वो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश है। ओके, और सबसे ज्यादा बड़ा इलाका अगर रकबा देखा जाए तो राजस्थान का है। हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन, यानी आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मुंबई, यानी जो हेड क्वार्टर है आरबीआई का वो कहाँ पर मौजूद है? मुंबई के अंदर मौजूद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज, यानी इसमें से कौन सी जबान नहीं है दर्ज जैल में से? इटालियन, ये भी एक लैंग्वेज है, जर्मन, ये भी एक लैंग्वेज है, कोरियन, ये भी एक लैंग्वेज है, यानी मैक्सिकन ये कोई भी लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, कि ऑप्शन नंबर डी ये किसी भी तरह की कोई भी लैंग्वेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। शेल्टर्स इन द आइस कवर्ड रीजन आर मेड अप ऑफ आइस, वॉट आर दे कॉल्ड एज, यानी जो बर्फीले इलाके होते हैं वहां पर जो घर होते हैं वो बर्फ के ही बनाए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? बोट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हाउस कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी इग्लू कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी कहा जाता है। तो देखिए आपने 7th या 8th की बुक में पढ़े होंगे कि इनको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है, यानी जो बर्फ के घर होते हैं, खेमे टाइप बनाए जाते हैं बर्फीले इलाकों में,
तो उन्हें क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेलुलोज इज फाउंड इन, यानी सेलुलोज किस में पाया जाता है, वीट्स में पाया जाता है, कैक्टस में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है या सीरियल्स में पाया जाता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, वीट्स में जो है सेलुलोज पाया जाता है। ओके तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वीट्स, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि सेलुलोज जो है ये वीट्स में पाया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, यानी मंदरजा जैल में से किसको काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी है गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है कोल या ऑप्शन नंबर डी है डीजल। तो देखिए सबको पता है कि काला सोना कोयले को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही, पूरे सेट 10 के जितने भी जीके साइंस के क्वेश्चन थे वो हमारी आज की वीडियो में कवर होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।